नमस्कार। टॉरस यानी के वृषभ राशिफल वीकली 17 से 23 जनवरी 2022। आइए जानते हैं पृथ्वी तत्व की आपकी राशि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नेक्स्ट सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो वृषभ के लिए बात करें तो राहु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, केतु आपके सातवें स्थान के अंदर है और आज हम ये प्रेडिक्शन बना रहे हैं 16 जनवरी 2022 को शाम को 4:30 बजे मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, चलेंगे आपके आठवें स्थान के अंदर। आठवां स्थान जो है ये मृत्यु स्थान है, आयुष्य का स्थान है, गुप्त स्थान है, तो यहाँ पर मंगल का फल शुभ नहीं होगा, जिसके कारण आपको वाहन चलाने में विशेष केयरफुल रहना होगा, अपना हेल्थ केयर करना होगा। जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ और अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। तो शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट है वो भी आठवें स्थान के अंदर है, तो शुक्र थोड़ा आपके लिए शुभ कह सकते हैं। मंगल भले आपके लिए अशुभ है लेकिन शुक्र आपके आठवें स्थान के अंदर है, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनते हैं। 14 जनवरी 2022 को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो कि आपके भाग्य स्थान में चल पड़े हैं। शनि और बुध के साथ सूर्य का जो ट्रांजिट है भाग्य स्थान में, ये 24 तारीख तक जो सूर्य है ये उत्तर साढ़ा नक्षत्र में चलने वाले हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। तो उत्तर साढ़ा का जो ये ट्रांजिट है सूर्य का, ये खास करके जो कोई भी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या मृगशिरा में हुआ है, ये चंद्र का नक्षत्र हो चाहे सूर्य का नक्षत्र हो, रोहिणी या मृगशिरा, ये जातक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और खास करके आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शांति के लिए आपको फीडिंग टू मंकीज, बंदरों को खिलाना है। और जो चंद्र ट्रांजिट है यानी कि बिजनेस और करियर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भाग्य स्थान में सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये धीमी गति से आपके भाग्य को वृद्धि तो जरूर करने वाले हैं। गुरु ग्रह का ट्रांजिट देखें तो आपके दसवें स्थान के अंदर है, बिजनेस और करियर आपका रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है लेकिन आपका जो सपना है वो धीरे धीरे साकार होगा अपर लेवल पर जाने का, तो थोड़ा सा पेशेंट रखना जरूरी है। गुरु का ट्रांजिट दसवें स्थान के अंदर है तो बड़े बड़े विचार आएंगे, बड़ा करने का विचार आएगा लेकिन इसको आप पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं कि भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाते हैं उस भाव के फल को गुरु डिस्टर्ब कर देते हैं। हालांकि जो आपका धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, ये तीन ग्रहों की दृष्टि में होगा, मंगल गुरु और शनि, मंगल गुरु और शुक्र, क्योंकि शुक्र आठवें स्थान में से आपके धन भाव को दृष्टि करते हैं, गुरु आपके धन भाव को दृष्टि करते हैं, शुक्र आपके धन भाव को दृष्टि करते हैं, तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग, महाधनवान योग भी क्रिएट होता है, जिसके कारण फाइनेंस का आपका कितना भी रिक्वायरमेंट हो कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके साथ साथ यदि आप कुछ नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ समय रहेगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है आपके सुख स्थान के अंदर, जो माता के सुख में भी वृद्धि करने वाले हैं और तमाम प्रकार की लग्जरीज जो आप घर के अंदर चाहते हैं वो सुख समृद्धि के साधन आपके वृद्धि होने वाले हैं। तो केतु का जो ट्रांजिट है सेवंथ हाउस में, राहु आपकी राशि के अंदर है, जिसके कारण खास करके जो भी जातक विवाहित हैं, मैरिड हैं, इनको दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा, क्योंकि मंगल आठवें स्थान में जाने वाले हैं। यहाँ पर मंगल को निर्दोष मंगल बोलते हैं लेकिन मंगल का इफेक्ट तो मंगल जैसा ही होता है,
कहने के लिए निर्दोष है, लेकिन इफेक्ट तो उसका पूर्ण इफेक्ट आता है। तो जो चंद्र ट्रांजिट है इस सप्ताह के अंदर मिथुन से लेकर कन्या तक चलने वाला है, तो चंद्र का जो ट्रांजिट है आपके धन भाव से निकलकर पंचम स्थान तक चलेंगे, तो कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ, स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। आपके मकान वाहन सुख में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य बनेंगे और वीकेंड के अंदर आपको कुछ बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो यदि आपके कोई मित्र है वृषभ राशि वाले, तो ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें। और जिनका भी जन्म 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में हुआ है, जिनके जन्म के सूर्य भी वृषभ में है, ये जातकों को भी आप प्रेडिक्शन जरूर शेयर करें, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, जबकि चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज्यादा असर होने वाला है। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री द्वारकाधीश।